निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात एनडीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, फोर्टालिजा में आयोजित 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एनडीबी की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दूसरा स्टेटमेंट है, एनडीबी कानूनी रूप से वर्ष 2015 में अस्तित्व में आया और वर्ष 2016 में इसने पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया। तीसरा, एनडीबी का मुख्यालय बीजिंग में है। अब आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, सोच समझ के जवाब देना। और प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट भी गलत हुआ, तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हुआ और दूसरा स्टेटमेंट हुआ सही। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है। देखो, पहले स्टेटमेंट में लिखा है फोर्टालिजा में आयोजित 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एनडीबी की स्थापना के समझौते हुए। देखो, ये 5वां नहीं था जो फोर्टालिजा में हुआ, वो था 6ठा, मतलब 6th ब्रिक्स समिट था, वहाँ पे एनडीपी की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और वो कहाँ पे हुआ था, फोर्टालिजा में। फोर्टालिजा कहाँ पड़ता है ये, क्या आप बता सकते हैं? ये पड़ता है ब्राज़ील में, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, एनडीबी कानूनी रूप से लीगली जो ये क्या हुआ, इसका एग्जिस्टेंस में कब आया, 2015 में, और जो फुल्ली ऑपरेशनल कब से हुआ, 2016 में, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो ये 2015 में जब ये अस्तित्व आया, तो ये जो मंथ था जुलाई 2015 और वर्ष 2016 में जब इसने काम करना शुरू किया, ठीक है, ये कब था, फरवरी 2016 से इसने काम करना शुरू किया, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, एनडीबी का मुख्यालय बीजिंग में है, नहीं, जो इसका मुख्यालय है वो है संघाई, ठीक है। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि किस एक फाइनेंशियल बॉडी है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि बीजिंग में किसका मुख्यालय है, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, पीआईबी की खबर है, वित्त मंत्रालय, 27 मई की खबर है। इसमें लिखा है, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के संचालक मंडल की विशेष बैठक में भाग लिया। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक पे इसलिए मैंने प्रश्न पूछा। चलो अब जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, अगर जो चीज़ एक बार न्यूज़ में आ गई, हम पूरा उस पर आरएनडी करते हैं। अब चलो इसके आरएनडी की शुरुआत करते हैं। ये आ गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। अब ये देखिए, एनडीबी एक बहुपक्षीय विकास मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसकी स्थापना ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका अर्थात क्या हो गया, ब्रिक्स द्वारा, ब्रिक्स और अन्य, देखो ये चीज़ जो अब मैं बता रहा हूँ ना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्टेटमेंट एग्जाम में ऐसा आएगा कि एनडीबी केवल ब्रिक्स कंट्रीज़ को ही क्या देता है, किसी भी प्रकार की सहायता देता है या वित्त पोषण करता है। ये लाइन ध्यान से पढ़ना, द्वारा ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएँ, तो ब्रिक्स कंट्री हो गई प्लस अदर्स जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हो गई, ठीक है, उनको भी देगा, प्लस विकासशील जितने भी विकासशील देश है उसमें बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, और यह तरक्की और विकास के लिए वैश्विक स्तर पर बहुपक्षीय मल्टीलेटरल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रयासों का क्या एक कॉम्प्लीमेंटली ये एफर्ट है। उसके बाद इस बैंक ने एनडीबी द्वारा, मतलब जो ब्रिक्स बैंक है, एनडीबी द्वारा समर्थित बहुत सारी प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको ये क्या टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है और जो एनवायरमेंटल एंड सोशल स्टेबिलिटी की को अचीव करने में भी क्या करेगा, ये सूचनाओं को सांस्कृतिक और एम्प्लॉयज़ को एक्सचेंज करने में ये मदद करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एनडीबी की बात की गई है, फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ट्रीटी पे साइन 2014 में किया गया, 2015 में जैसा कि मैंने आपको बोला था अस्तित्व में आया, और 2016 में इसने काम करना शुरू किया, फुल्ली ऑपरेशनल हुआ था ये,
टाइप किस प्रकार का है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अंतर्राष्ट्रीय, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद लीगल स्टेटस क्या है, एक ट्रीटी है। हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं कहाँ पे है, संघाई में है इसका हेडक्वार्टर। मेंबर कंट्रीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। और इसकी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। और प्रेसिडेंट जो के वी कामत है ब्रिक्स के, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसका है, ब्रिक्स के, ब्रिक्स का ही क्या है ये, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब आगे चलते हैं, ये देखते हैं अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या क्या करता है ये। यह सदस्य देशों के विकास को बढ़ावा देगा, दूसरा आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, प्रतिस कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्या देगा, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। उसके पास जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके बीच में नॉलेज शेयरिंग के एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी ये काम करेगा, ठीक है। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हुए। अब आता है अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय या संस्थान ने COVID-19 पेंडेमिक के संदर्भ में जन जागरूकता मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए मल्टीमीडिया गाइड जारी की है, रिलीज की है, ठीक है। मल्टीमीडिया गाइड को रिलीज किया है। अब आपको बताना है कौन है वो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फिर है नीति आयोग। अब आप बताइए कि COVID-19 महामारी के संदर्भ में जन जागरूकता फैलाने के लिए मल्टीमीडिया गाइड, और इस मीडिया गाइड का नाम क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है कोविड कथा, ठीक है, कोविड कथा। बताइए कोविड कथा को किसने जारी किया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोविड कथा बड़ा बड़ा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया है कोविड कथा को, एक मल्टीमीडिया गाइड है ये। आप देखते हैं इस MCQ क्यों बनाया गया, ये देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में, यहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ NCSTC, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है ये, किस मंत्रालय के अधीन आती है ये, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, इसने हिंदी में लोकप्रिय कोविड कथा, ये देखिए कोविड कथा को जारी किया गया है, और जन जागरूकता फैलाने के लिए क्या है कि ये मल्टीमीडिया गाइड है, और इसमें COVID-19 महामारी के बारे में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है आम लोगों के लिए, और मुझे लगता है आप सभी को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए 27 मई की खबर है, अगर आप PIB पे जाएंगे, PIB पे जाना आप, और इसी न्यूज़ के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करोगे वो डाउनलोड हो जाएगी, तकरीबन 35 से 38 पेज की ये छोटी सी गाइड है, और मुझे लगता है आप सभी को पढ़ना चाहिए, अपनी फैमिली मेम्बर को भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ ऐसी है ये कोविड कथा, जैसे आप देख सकते हैं जन जागरूकता के लिए, और राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC किसके, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन है ये, और मंत्रालय कौन सा है ये, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका देखो एक बार मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ, विषय सूची देखिए यहाँ पे A to Z करके है, ए से लेके जेड तक इसमें कंटेंट है, आरोग्य, मूल बातें, क्या कारण है कोविड के, फिर यहाँ डिसिप्लिन कितना मैटर करता है, क्या क्या एक्सट्रीम कंडीशंस है, फॉल्सिफिकेशन क्या है, क्या गोल्स होने चाहिए, हेल्प कैसे, इन्फ्लिक्शन संक्रमण की शुरुआत कैसे होती है, देख सकते हैं कितना सारा, जॉइंट एफर्ट्स कैसे काम कर सकते हैं, नॉलेज का क्या रोल है, लाइफ क्या क्या गलत फहमियाँ हैं, इसके नामकरण कैसे हुआ, खतरे की आयु कौन सी है, कैसे बचा जाए, ठीक है, क्वाइट एंड क्विट, ठीक है, रिस्क एंड रिस्पॉन्स क्या है, ये सारी टेस्टिंग ट्रेंड क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस क्या है, बहुत सब कुछ दिया हुआ है, और आप सभी को मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली आप इसको डाउनलोड कर लेना, बड़ी अच्छी है, मैंने भी पढ़ी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये पढ़ के। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, चारू मसल जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में है, पहला यह दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका की एक देशज प्रजाति अर्थात नेटिव स्पीसीज है, दूसरा यह दक्षिण भारत में एक लाभप्रद प्रजाति के रूप में मछुआरे है, ये मधुआरे नहीं है, मछुआरे फिशरमैन है, कि आजीविका को अर्थात लाइवलीहुड को बढ़ाने में ये मदद कर रही है। अब आपको बताना है कि
चारू मिसल के बारे में, इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए बी सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है सोचने समझने के लिए, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट हुआ गलत। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल, ये साउथ और जो सेंट्रल अमेरिका की एक नेटिव स्पीसीज है, ठीक है। बेसिकली है क्या, सीप, आपने नाम सुना होगा ना सीप जिसको बोलते हैं, ये वो है। और यह दक्षिण भारत में एक लाभप्रद प्रजाति के रूप में मछुआरों की आजीविका को बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि ये एक आक्रामक प्रजाति के रूप में काम कर रही है, ये जिसको इन्वेसिव स्पीसीज बोला जाता है, ठीक है। ऑलरेडी कई बार मैं बोल चुका हूँ इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में, पढ़ना है आपको ये, ठीक है। जिससे वहाँ क्या है, मछुआरों की आजीविका को इससे संकट और खतरा पैदा हो रहा है। देखिए चलते हैं क्या है ये चारू मसल, ये देखिए आज की द हिंदू की खबर है, इन्वेसिव मसल इज स्प्रेडिंग रैपिडली इन केरलाज बैकवाटर, केरल के बैकवाटर में तेजी से फैल रही है। ये कुछ ऐसी नज़र आती है, ये जैसा इमेज दिखाई हुई है। और देखो यहाँ पे बोला जा रहा है किस कारण ये तेजी से फैली, ट्रिगर्ड बाय साइक्लोन ओखी। साइक्लोन आया था यहाँ पे 2017 में, जिसके चलते ये ट्रिगर्ड हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं, इन्वेसिव मसल नेटिव टू द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका कोस्ट इज स्प्रेडिंग क्विकली इन द बैक वाटर ऑफ केरल, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, थ्रेटनिंग द लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन एंगेज इन मोलस्क फिशरीज, जो मोलस्क की जो फिशरीज में संलग्न जितने भी मछुआरे हैं उनकी लाइवलीहुड को इससे थ्रेट है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हो सकता है कि जो ट्रिगर्ड हुई है इनका स्प्रेड, जो तेज़ी से फैलना शुरू किया है, साइक्लोन ओखी आया था जिसके चलते इस क्षेत्र में आके ये आ गई है 2017 में। ऐसा एक जर्नल प्रकाशित हुआ था, जर्नल में एक पेपर प्रकाशित हुआ, नाम था जर्नल ऑफ एक्वेटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज, ठीक है। इतना ही हमारे लिए इसमें काम का है। और यहाँ पे एक अष्टमुड़ी लेक का जिक्र है, अष्टमुड़ी लेक ऑलरेडी मैं आपको मैपिंग की क्लास में करा चुका हूँ। मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे नए हैं, मेरी वीडियोस को अभी कुछ दिनों से देखना शुरू किया है, वो निर्माण आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाए और वहाँ की प्लेलिस्ट में आपको लॉकडाउन मॉड्यूल को आप ज़रूर पढ़ना। वहाँ पे 17 वीडियोस है जिसमें मैपिंग कराई गई है, साल भर का जितना भी आर्ट एंड कल्चर में चर्चा में रहा जो भी साइट्स है उनको कराया गया, उसके साथ साथ वहाँ पर इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस कराया गया है। वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ वहाँ पे रिपोर्ट और इंडेक्सेस जो पिछले एक साल डेढ़ साल में चर्चा में रही है, वो रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस वहाँ पे कराए गए हैं, आप उनको ज़रूर करना, डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी, ठीक है। और उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ठीक है, लाइक और शेयर भी करना उनको। आगे चलते हैं, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, राज्य के मुख्य सचिव का कार्यकाल नियत होता है, ठीक है, मतलब जो चीफ सेक्रेटरी होता है उसका जो टर्म होता है वो फिक्स होता है। सेकंड, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल अर्थात गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए बी सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, जल्दी से बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी गलत हुआ और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हुआ। अब देखते हैं फिर सही क्या है और इस एमसीक्यू को बनाया क्यों गया। ये देखिए आज के द हिंदू की खबर है, विश्वास मेहता टू बी केरला चीफ सेक्रेटरी, केरल के चीफ सेक्रेटरी के रूप में विश्वास मेहता को क्या किया गया है, बनाया गया है इनको। ये देख सकते हैं, केरल कैबिनेट ऑन वेडनेसडे डिसाइडेड टू अपॉइंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं वहाँ के होम के, ये विश्वास मेहता, इनको चीफ सेक्रेटरी के रूप में बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स किसको रिपोर्ट करते हैं, पहली बात तो गवर्नर ऑफ द स्टेट को रिपोर्ट करेंगे, राज्य के जो राज्यपाल है उसको रिपोर्ट करते हैं, ये चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं वहाँ की उस राज्य की, और स्टेट कैबिनेट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन सबको ये रिपोर्टिंग करता है। अब सीट क्या है सचिवालय में, ठीक है, अपॉइंटर कौन है, देखिए यहाँ पे इनको कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट,
मतलब उस राज्य की जो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी है, नियुक्ति समिति, वो इनको अपॉइंट करती है। और यहाँ पे देखिए, चीफ सेक्रेटरी इज़ यूजुअली द सीनियर, ये यूजुअली सामान्यतः उस राज्य के सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उस बैच में, ठीक है। वहाँ के राज्य का जो सीनियर मोस्ट बैच है आईएएस का, उसमें ये सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं। उसके बाद द अपॉइंटी ऑफ द ऑफिस इज़ अप्रूव्ड बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर। मतलब इन्होंने क्या, इनके नाम को क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, और उसको बाद में अप्रूव कौन करेगा, राज्य के मुख्यमंत्री, बेस्ड ऑन द अपॉइंटीज एबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस विद हिम और हर। मतलब जो भी राज्य का सीएम होगा उसके साथ उनका, वो पहली बात तो उसकी एबिलिटी को देखा जाएगा, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस को देखा जाएगा सीएम के साथ, ठीक है, तब उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ राज्यपाल का कोई रोल नहीं है, इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट था वो गलत हुआ। अब पहला स्टेटमेंट था कि उसका टर्म फिक्स होता है क्या, देखो टर्म लेंथ को, नो फिक्स टेन्योर, कोई फिक्स उनका कार्यकाल नहीं होता, इज़ इम्पोज्ड ऑन द ऑफिस बट टर्म कैन बी एक्सटेंडेड। मतलब वो कोई फिक्स नहीं होता, वो 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, वो जैसा भी उस राज्य का जो वहाँ के सीएम और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो शासन में है, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो उस चीज़ को डिसाइड करेगी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टाइप का एनालिसिस कई बार काम में आ जाता है। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है बैव क्यू, जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में है। पहला ए है, आपको बताना है कि COVID-19 के इलाज के लिए जापान द्वारा ट्रायल की जा रही एक वैक्सीन। दूसरा, एक एप्लीकेशन जिसका इस्तेमाल शराब को वितरित करने में अर्थात लिकर को डिस्ट्रीब्यूट करने में किया जाएगा। तीसरा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा की जा रही एक स्टडी है ये। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप मुझे बताइए कि बैव क्यू का संबंध ए, बी, सी या डी किससे है। जरूर पढ़ा होगा आपने समाचारों में इसको, बताइए बैव क्यू। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल जो लिकर को डिस्ट्रीब्यूट करने में किया जाएगा। देखते हैं इसको क्यों बनाया गया प्रश्न को, ये देख सकते हैं 28 मई आज की खबर है, लिकर टू ऑब्टेन फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड, सुबह जो मॉर्निंग में 9 AM से मिलनी शुरू होगी। बुकिंग किसके जरिए बुक की जाएगी, बैव क्यू, ठीक है। और ओनली 5 इन क्यू केस इफ नो टोकन, यहाँ पे बात की जा रही है केरल की, यहाँ पे केरल की बात की जा रही है। केरल सरकार ने इसको क्या किया है, इसको बैव क्यू के जरिए वहाँ पे लिकर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पूरी खबर क्या है, ये देख सकते हैं बैव क्यू। तो गूगल जो प्ले स्टोर है उसने अप्रूव किया है बैव क्यू ऐप को, जिसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, केरल के अंदर शराब की जो उसके वितरण के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। किसके द्वारा डेवलप की गई है, वहाँ की एक स्टार्टअप है फेयर कोर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और किसके द्वारा, मतलब ये तो इन्होंने डेवलप की है, और यूज़ किसके द्वारा की जाएगी, केरल बेवरेज कॉरपोरेशन बेवको के द्वारा, किसके लिए, लिकर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये बैव क्यू अगर आ जाए तो ये याद रखेंगे हम। आगे चलते हैं, अब बग बाउंटी प्रोग्राम, ठीक है, जो हाल ही में समाचारों में इसको लिखेंगे चर्चा में रहा, टाइपिंग एरर है ये। पहला, इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई। दूसरा, यह ऑनलाइन भुगतान मतलब ऑनलाइन पेमेंट के चैनल्स में जो सुरक्षा जोखिम है, सिक्योरिटी जो थ्रेट्स है या वल्नरेबिलिटी है, उनको खोजने वाले सुरक्षा शोधकर्ताओं अर्थात सिक्योरिटी रिसर्चर्स को रिवार्ड प्रदान करेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि बग बाउंटी प्रोग्राम के बारे में दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। ये यहाँ प्रोग्राम में डबल एम कर लेंगे, बताइए कि ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा बग बाउंटी प्रोग्राम का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इस कार्यक्रम की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, बिल्कुल की है, लेकिन ये ऑनलाइन भुगतान पेमेंट के जो चैनल्स होते हैं उसमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को ये आइडेंटिफाई नहीं करता। तो फिर ये क्या करता है, देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया, ये देखिए, ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की, आरोग्य सेतु सोर्स कोड अवेलेबल, ठीक है, हाउ टू एक्सेस डिटेल ऑफ बग बाउंटी प्रोग्राम। देखो ये बग बाउंटी प्रोग्राम की चर्चा की गई है, और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि, देखो कितनी अच्छी लाइन बोली है यहाँ पे, नो अदर गवर्नमेंट प्रोडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में
किसी भी सरकार के सरकारी प्रोडक्ट को इस टाइप के हैज़ बीन ओपन सोर्स एट दिस स्केल एनी वेयर इन दी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इस तरह का कहीं भी नहीं किया है कि आरोग्य सेतु ऐप के अंदर आपको आइडेंटिफाई करके बताना है क्या इसके अंदर कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स है क्या। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, बग बाउंटी प्रोग्राम। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब। ये बग बाउंटी प्रोग्राम है, क्या करेगा ये कि जो आरोग्य सेतु ऐप डेवलप की है कोविड 19 के लिए, ट्रेसिंग के लिए, लोगों को जो इन्फेक्शन क्या है वो फैले ना, उसके रिस्क को कम किया जाए। अब उसमें क्या किसी तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट है क्या, क्या वो वल्नरेबल है, इस चीज़ के लिए हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। ये देखिए, बग बाउंटी प्रोग्राम, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द बग बाउंटी प्रोग्राम, जिसको होस्ट कौन करेगा, माई गोव टीम करेगी। द प्रोग्राम विल एनेबल सिक्योरिटी रिसर्च, देखो सुरक्षा अनुसंधानकर्ताओं को क्या करेगा, रिवार्ड देगा अगर उन्होंने फाइंड किया क्या कि किसी भी तरह की सुरक्षा जोखिम है इसके अंदर, सुरक्षा के लेकर ये संवेदनशील है, ठीक है, वल्नरेबल है विद इन द आरोग्य सेतु ऐप। और ये क्या किसके लिए ओपन होगा, सिर्फ इंडियन के लिए नहीं, इंडियंस भी है और फॉरेन नेशनल्स भी है, लेकिन जो ओनली द इंडियन विल बी एलिजिबल फॉर द रिवार्ड। जो रिवार्ड मिलेगा सिर्फ किसको मिलेगा, इंडियंस को ही मिलेगा, लेकिन इसके लिए वेलकम कौन है, इंडियंस भी है और फॉरेन नेशनल्स भी है। अब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी अगर आपने आइडेंटिफाई करी इस ऐप के अंदर, तो रिवार्ड कितने का मिलेगा, 3 लाख का। और उसके बाद उसको कैसे दूर किया जाए, इम्प्रूवमेंट किया किसे, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए बताने के लिए 1 लाख रुपये का रिवार्ड मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि बग बाउंटी प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर करना। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने पाक डॉक कार्यक्रम के अंतर्गत अपने प्रथम स्टेल्थ बॉम्बर बनाने की घोषणा की है। ऑप्शंस है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और ईरान। बताइए ए बी सी या डी, सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस ने इसको पाकडा कार्यक्रम के तहत स्टेल्थ बॉम्बर बनाने की घोषणा की। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए कल की खबर है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू रशियन स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर स्टार्टेड। इसका प्रोडक्शन जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त एक बॉम्बर है, मतलब वो रडार की रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, नॉर्मली तो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर थ्रेट्स है, अगर कोई एयर थ्रेट है या किसी भी तरह का, तो उसके लिए रडार को यूज़ किया जाता है। और रडार कैसे काम करता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा। तब ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, रडार इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे पाकडा कार्यक्रम की चर्चा की गई है, पूरी की पूरी खबर है क्या, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूँ। ये पूरी की पूरी खबर को ही मैंने आपके लिए आसान बना के, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर लगाया है। ये देखिए, पाकडा प्रोग्राम पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, पाकडा प्रोग्राम है ये, देख सकते हैं। 26 मई 2020 को जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, कहाँ का, रूस का, उसने अनाउंस किया किसको, रशियन प्रेस को, दैट दे हैव स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर, प्रथम रणनीतिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त बॉम्बर को इन्होंने क्या, उसको कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, उसको बनाना शुरू कर दिया। कौन से कार्यक्रम के तहत, पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम। अगर एग्ज़ाम में सिर्फ इतना भी आ जाए ना कि पाकडा प्रोग्राम, तो रूस का याद रखना आप बिल्कुल मत भूलना। देखो इसमें क्या है, इस प्रोग्राम इज़ टू यूज़, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो रिड्यूस इट्स रडार सिग्नेचर, ताकि रडार की पकड़ में ना आए। ठीक है, दिस विल मेक रशियन वेपन्स एंड बॉम्बर्स इनविजिबल टू एनिमीज। अगर आप रडार की रेंज में नहीं आएंगे तो क्या करेगा कि जो इसके वेपन है, रूस अपने वेपन्स को और जो ऊपर से हवाई बम बरसाने वाले जितने भी वो मीडियम, मतलब जिन भी मोड को यूज़ करेगा, उसके ज़रिए एनिमीज उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और ये इसकी बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट होगी उसकी कब कंडक्ट की जाएगी, 2021-22 में। तो ये पाकडा प्रोग्राम हो गया, चलते अब आगे। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सहारा चीता अर्थात सहारन चीता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में फर्स्ट टाइम इन्हें इटली की सड़कों पर देखा गया। दूसरा, IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इन्हें वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। अब आपको बताना है कि ए बी
सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? देखो, एक अफ्रीकन चीता भी चर्चा में आया था, उस पर भी मैंने एमसीक्यू बनाया था 2-3 महीने पहले। इंडिया में उनको ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही थी, अब बात हो रही है सहारन चीता की। बताइए क्या होगा सही उत्तर? और जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी गलत और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत, मतलब इनको इटली की सड़कों पर नहीं देखा गया प्रथम बार। ठीक है, IUCN की रेड डाटा लिस्ट में ये वल्नरेबल की कैटेगरी में भी नहीं है। तब ये खबर क्या है, क्यों ये प्रश्न बना, देखते हैं। ये देखिए 27 मई की खबर है, अल्जीरिया रेयर सहारन चीता स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड। पिछले 10 सालों में पहली बार अल्जीरिया में जो रेयर सहारन चीता देखने को मिला, आप देख सकते हैं सहारन चीता है ये। पूरी की पूरी खबर क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए लेके आया हूँ मैं ये। चलिए ये देखिए सहारन चीता, सहारा चीता है ये, कैसा नज़र आ रहा है देख सकते हो आप। अब देख सकते हैं सहारन चीता, या जिसको नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता भी बोला जाता है, ये किसकी, एक चीते की ही एक उप प्रजाति है जो कहाँ मिलती है, सहारा और उसके सहेल क्षेत्र में, अफ्रीका में। ठीक है, अब इसका IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। ये देख सकते हैं यहाँ मैंने IUCN रेड डाटा लिस्ट से इसका स्टेटस लगाया है, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, ये याद रखेंगे हम। अब ये देखिए कहाँ पे पाई जाती है, ये अफ्रीका में हॉट एंड ड्राई रीजन्स में पाई जाती है, और ऐसा माना जाता है कि दुनिया में अब इनकी केवल 37 इनकी पॉपुलेशन बची है वाइल्ड में। ठीक है, ये अगर आ जाए तो बिल्कुल हिलने नहीं देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और वैसे भी इतने डिटेल में अगर आपने स्टडी कर लिया, डेली बेसिस पे आप इतना कर रहे हो ना, सफिशिएंट रहेगा आप। अगर आप इसको नवंबर से देखते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बाकी तो देखो जिस दिन UPSC PT होगा उस दिन आपको पता चलेगा इस सीरीज़ का क्या बेनिफिट हुआ, जिन बच्चों ने देखा इसको लगातार से और जो देख रहे हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको इस सीरीज़ से। आगे चलते हैं। अब ये देखिए अल्जीरिया की बात की है, तो आपको एक बार अल्जीरिया दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए अफ्रीका में एक कंट्री है अल्जीरिया, यहाँ पे इसके एक बॉर्डर लगता है मोरक्को, फिर ट्यूनीशिया, फिर लीबिया, फिर नाइजर, फिर माली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोरिटेनिया और थोड़ा वेस्टर्न सहारा का भी यहाँ से बॉर्डर लग रहा है। अगर आपको याद हो, मैंने जब अफ्रीका की मैपिंग कराई थी, मैंने बोला था मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर लगने वाले देशों का कोड क्या है, तो अगर आपको याद हो मैंने मेटल लिखवाया था मैपिंग वाली क्लास में, एल से लीबिया, ए से अल्जीरिया, टी से क्या था बताइए, ट्यूनीशिया, ई से इजिप्ट और एम से मोरक्को। तो ये 5 कंट्री है अफ्रीका की जिनका ये भूमध्य सागर है ये बीच में, इससे इनकी बाउंड्री लगती है। मैपिंग वाली क्लास ज़रूर देख लेना, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे सीधे वहीं से हो जाएंगे अगर आपने उसको तसल्ली से देख लिया। बस उसको देखते टाइम ऑलरेडी मैंने दिखाने की काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी मैप लगाए हैं वहाँ पर, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा ऑक्सफोर्ड का जो एटलस लेके आप बैठना, स्टूडेंट हो या स्कूल हो, जौन सा भी एटलस हो आपके पास, एटलीस्ट आप एटलस लेके बैठना, या ओरिएंट ब्लैक स्वान जो भी है, मतलब एटलस के साथ ही उन मैपिंग क्लास को करना, आपको ज़्यादा बेनिफिशियल आपको फील होगी, ताकि साथ के साथ आप भी प्रैक्टिस करते चले जाओ। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब ये देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य ने अपने नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस के रखरखाव के लिए स्टेट हेल्थ रजिस्टर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, मतलब वो अपने सिटीजन्स का हेल्थ डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए किस राज्य ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना को लॉन्च किया है, और ऑप्शंस है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आप अपने जवाब को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं। देखो कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न था शेल कंपनी के बारे में। आपने नाम ज़रूर सुना होगा शेल कंपनीज़ का, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। नहीं, इनको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा, ये कंपनी विशिष्ट रूप से ऐसे कॉरपोरेट एंटिटीज़ होती है जिनका कोई सक्रिय जो व्यावसायिक बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता, ना ही उनके ओनरशिप में किसी भी प्रकार की कोई एसेट होती इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही है, ये सेकेंड स्टेटमेंट सही हुआ, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है, कल किसी कारणों से हमारी जो MCQ की सीरीज़ है वो प्रीमियर पे नहीं लग पाई थी, आज ये वीडियो प्रीमियर पे लगेगी, इसलिए आप आना, लाइव कमेंट देना, आप लाइव इंटरेक्ट करना उस पर, अपने जवाब देना। ठीक है, अच्छा कर रहे हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे जवाब भी दे रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हो। मेरी साइड से मैं जितना मैक्सिमम हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। आपका प्रीलिम्स मैं अपना प्रीलिम्स मान के चल रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है।
ओके, निर्माण आईएएस की डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।